नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है और आज मैं आपको कॉफ़ी के बारे में बताऊंगी। हमारे पिछले सक्सेस सेमिनार में आपने देखा था कि एटमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एब्राहिम ली ने आपको कॉफ़ी के बेनिफिट्स के बारे में बताया और इतने सारे बेनिफिट्स को कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं कॉफ़ी की स्पेलिंग के थ्रू। कॉफ़ी विच स्टैंड्स फॉर सी, कट डाउन वेट, ओ ओवरकम डिप्रेशन, F, fight against cardiovascular diseases, F, functioning of liver, E, enhancing energy, E, eliminate toxins. तो इस आसान तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं इसके benefits को। C, which means cut down weight, ये बहुत ही खुशखबरी है हम सभी के लिए कि कॉफ़ी के रेगुलर इस्तेमाल से हम अपने वज़न को घटा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो जितने भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं या आप किसी फिटनेस रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कॉफ़ी को इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा, ओवरकम डिप्रेशन। आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक नॉर्मल पार्ट बन चुका है और कॉफ़ी को अगर आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज़ में पाया गया है कि आप इसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी आप हर दिन 2 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। F, विच मीन्स फाइट अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको हम कॉफ़ी के इस्तेमाल से कम कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फंक्शनिंग ऑफ लिवर, लिवर जो कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है और मल्टीपल फंक्शंस एक साथ परफॉर्म करता है, उसको अच्छे से काम करने में कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल मदद करता है। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि लगभग 40% तक लिवर के डैमेज को रेगुलर कॉफ़ी के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। ई, विच मीन्स एनहेंसिंग एनर्जी। तो सिर्फ फिजिकल एनर्जी ही नहीं, मेंटल एनर्जी को भी हम कॉफ़ी के इस्तेमाल से बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए देखा गया है कि सुबह सुबह अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो आप में हाई एनर्जी बनी रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिन में किसी भी वक्त जब आपको एक कंसंट्रेशन या फोकस्ड वर्क में जाना है, उससे पहले अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली, एलिमिनेट टॉक्सिन्स। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स वेस्ट को टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है और सही तरीके से स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग में कॉफ़ी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये बेनिफिट्स सिर्फ इतने ही नहीं हैं, इसके साथ साथ कैंसर को प्रिवेंट करने में, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में भी कॉफ़ी का बहुत हद तक बेनिफिट देखा गया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द एटमी कॉफ़ी को इस्तेमाल करें और आपके बेनिफिट्स भी हम तक पहुँचाएँ। तो आइए अब हम जानते हैं कैसे हमारी एटमी कॉफ़ी यूनिक है। 3 चीज़ें इस कॉफ़ी को बहुत यूनिक बनाती है। सबसे पहले इसके बीन्स, दूसरा टेक्निक और टेक्नोलॉजी जिससे इसको बनाया गया है, और तीसरा इसे प्रिजर्व करने का तरीका। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉफ़ी बीन्स के बारे में। दुनिया भर में 2 प्रकार के बीन्स से कॉफ़ी बनाई जाती है, अरबिका बीन्स और रोबस्टा बीन्स। एटमी की कॉफ़ी को अरबिका बीन्स से बनाया गया है और अरबिका बीन्स की क्वालिटी हायर क्वालिटी है रोबस्टा बीन्स के कंपैरिजन में।
इसका कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग हैंड पिक्ड तरीके से की जाती है, जबकि रोबस्टा कॉफ़ी की हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा की जाती है। कैफ़े अरेबिका से बनाई हुई कॉफ़ी माइल्ड होते हुए भी बहुत अच्छा एरोमा देती है और साथ ही साथ इसमें कम कैफीन होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अरेबिका कॉफ़ी बीन से बनाई हुई कॉफ़ी बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के साथ ब्लेंड हो जाती है और ईजिली मिक्स होने वाली कॉफ़ी है, जिसे हम रोबस्टा बीन से बनी हुई कॉफ़ी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि एटमी के बीन्स इस कॉफ़ी को बहुत यूनिक बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्पेशल टेक्नोलॉजी और टेक्निक का हमारे बीन्स पे इस्तेमाल किया गया है। अरेबिका कॉफ़ी बीन्स पर फ्रोज़न ड्राइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। बीन्स का एक्सट्रैक्शन करके लिक्विड कंसनट्रेटेड फॉर्म को -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जाता है और फिर उस फ्रोज़न एक्सट्रैक्ट को फाइन पार्टिकल्स में एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस फाइन पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने में माइक्रो ग्राइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि पार्टिकल्स का फ्लेवर और एरोमा बरकरार रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी तीसरी यूनिकनेस के बारे में और वो है इसकी पैकेजिंग में। एटमी कॉफ़ी को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए और एरोमा को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है। ये गैस बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और अच्छी पैकेजिंग के लिए इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन की तरह एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है और मटेरियल को प्रोटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए जब भी आप एटमी कॉफ़ी के सैशे को ओपन करेंगे, एक फ्रेश एरोमा के साथ आप कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो कॉफ़ी के इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद और प्रोसेस को समझने के बाद आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आप इस कॉफ़ी को अलग अलग वेराइटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों ही टेम्परेचर में हॉट और कोल्ड तरीके से आप इस कॉफ़ी को बना सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी कॉफ़ी की वेराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एस्प्रेसो, अमेरिकानो, आइस्ड अमेरिकानो, कैपेचिनो, कोल्ड कॉफ़ी। ये सभी वेराइटीज़ हमारी अरेबिका बीन्स से बनी हुई कॉफ़ी से आप बना सकते हैं और एक बहुत अच्छा फ्लेवर इन्जॉय कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एटमी कॉफ़ी अपने आप में एक यूनिक कॉफ़ी है, क्योंकि अरेबिका बीन्स इसे हर तरीके से ब्लेंड होने में मदद करते हैं। तो आज हमने बात की थी कॉफ़ी के बेनिफिट्स की, किस तरीके से इसे प्रोसेस किया जाता है और साथ ही साथ कैसे आप अलग अलग वेराइटीज़ में इसको बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोगों ने इस वीडियो को आज देखा है, आप सभी लोग जल्द से जल्द एटमी कॉफ़ी का इस्तेमाल करें और इससे हेल्थ बेनिफिट्स लें। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं और सभी की हेल्थ को इम्प्रूव होने में मदद करें। तो इसके साथ ही मैं अपने प्रेजेंटेशन को एंड करती हूँ और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी जुड़ सकते हैं।